कितनी बौखलाहट है बीजेपी वालों में, मोदी जी में कितना भय है हमारे आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी का। जो ईडी कार्यालय आप देख रहे हैं, ये पता है कौन है? ये प्योर भाजपा समर्थक है, ना कि कार्यालय है। कमल खिलने का अगर रहता उनको कॉन्फिडेंस तो ये कुकर्म नहीं करते, ये कुकर्म कर रहे हैं। इसका असर तो ऐसा पड़ेगा, ऐसा मार पड़ेगा जनता का, वोट का चोट पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी 24 में जो है समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद जेल जाएंगे। किसी व्यक्ति से सबसे अधिक आरएसएस और भाजपा के लोग डरती है तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। चुनाव आते ही इनका जो है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स एक्टिव हो जाता है और यह एक तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में काम करती है। गरीबों का संपत्ति लालू प्रसाद यादव जी को कहा जाता है। लालू प्रसाद यादव जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, विज्ञान है, विचार है। आरजेडी और महागठबंधन का तमाम कार्यकर्ता पूरे बिहार में लालू जी का झंडा को बुलंद करने का काम करेगा और दिल्ली का गद्दी से मोदी को उखाड़ फेंकने का काम। मोदी नीतीश की हम समझ रहे हैं, मोदी नीतीश की जोड़ी तो कब तक टूट चुकी है, टूट चुकी है। फिर तो हाथ मिला ली, ढकोसला। उसने बोला था कि हमको नीतीश बाबू का DNA में खोट नजर आता है। मोदी जी का कोई काम तो अच्छा नहीं लगा, मगर एक वर्ड ये अच्छा लगा कि DNA में कुछ ना कुछ है। जय हिंद, मैं शाह संदली और आप देख रहे हैं PRB। देखिए 24 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और बिहार में सियासी हलचल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को छोड़ के NDA में गए हैं, उसके बाद से ही लालू परिवार से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। लालू प्रसाद यादव से लगातार 8 घंटे के पूछताछ के बाद आज सुबह 11 बजे से अभी तकरीबन 7 बज रहे हैं और लगातार जो है ईडी तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही है। ये पूछताछ अभी ख़त्म नहीं हुई है, तकरीबन 8 घंटे का वक्त हो चुका है। आप देखिए अभी भी समर्थकों में जोश है, RJD के जो समर्थक है अभी भी यहाँ मौजूद हैं। किस तरीके से जो तेजस्वी यादव को पूछताछ की जा रही है तो लोग किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, तो इसी बीच हम लोगों से बातचीत करेंगे कि लोग क्या कुछ कहते हैं, इस पर क्या असर पड़ने वाला है। नीतीश कुमार जिस तरीके से पलटी मारे हैं उस पर भी क्या असर पड़ेगा और क्या कुछ होने वाला है, क्या होगा सर? ईडी लगातार जो है पूछताछ कर रही, लगातार लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ की 9 घंटे तक, अभी तेजस्वी यादव से भी सुबह 11 बजे से पूछताछ कर रही है, तकरीबन 8 घंटे हो गए। वो क्या होगा, क्या लग रहा है? देखिए केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो डर चुकी है। खास करके इस देश में अगर किसी व्यक्ति से सबसे अधिक RSS और भाजपा के लोग डरती है तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी। और क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जिस तरीके से इस NDA में चले गए उसका कितना नुकसान होगा आप लोग RJD को? नुकसान क्या होगा, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और सबसे अधिक विधायक राष्ट्रीय जनता दल के पास है। और आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में अकेले दम पर महागठबंधन ने बिहार में झंडा फहराने का काम किया। सबसे ज़्यादा विधायक जीत के आए, 7-8 विधायक और आ जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी आज के तारीख में होते। लेकिन शासनादेश के बल पर नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जीते हुए उम्मीदवार को हराने का काम किया। दर्जनों ऐसे उम्मीदवार जो चुनाव जीत चुके थे लेकिन किसी को 10 वोट से, किसी को 25 वोट से, किसी को 100 वोट से उसे पराजित घोषित किया गया। तो ये पूरा षड्यंत्र जो रचा गया और पूरा देश के सामने है। और अब आगामी लोकसभा का चुनाव है, चुनाव आते ही इनका जो है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स एक्टिव हो जाता है और यह
एक तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में काम करती है। ये जो आप देख रहे हैं ईडी ऑफिस, ये ईडी दफ्तर नहीं रहा, ये संवैधानिक संस्था अब नहीं रह गया है, यह भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ का दफ्तर के रूप में काम करती है। इस तरह का आरोप लगा रहे हैं आप। अब देखिए, गरीबों का संपत्ति लालू प्रसाद यादव जी को कहा जाता है। लालू प्रसाद यादव जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, विज्ञान है, विचार है। लालू प्रसाद यादव जी यहाँ देख रहे हैं, जितने हजारों हजार की संख्या में सुबह से अपने आदरणीय नेता के समर्थन में ईडी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। तो बिहार की संपत्ति है, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को डिमोरलाइज करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उन्हें झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन वो झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, तेजस्वी नहीं झुकेगा। चलिए फिर आपसे बात करते हैं, क्या लग रहा है लगातार पिछले दो दिनों से, पहले लालू यादव जी से और तेजस्वी जी से पूछताछ की जा रही है? देखिए, ये बीजेपी का भय जो है ना, बीजेपी का भय वो दिख रहा है। अच्छा। अपने तोता से जो है ये भय को कम करने का प्रयास कर रहा है, कि लालू जी को डराने का प्रयास कर रहा है। तेजस्वी जी, इसका कितना असर पड़ेगा 24 लोकसभा चुनाव पे? इसका असर तो ऐसा पड़ेगा, ऐसा मार पड़ेगा जनता का, वोट का चोट पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी 24 में जो है समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद जेल जाएंगे। वो तो बोल रहे हैं कि 24 में फिर से तीसरी बार परचम लहराएंगे, कमल खिलेगा। कमल खिलने का अगर रहता उनको कॉन्फिडेंस तो ये कुकर्म नहीं करते। ये कुकर्म कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी को डराने का प्रयास, धमकाने का प्रयास, परेशान करने का जो प्रयास कर रहा है, इससे लालू और तेजस्वी डरने वाले नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे सर, लगातार पूछताछ की जा रही है, 24 लोकसभा चुनाव पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? ये तो आप लोग भी जानते हैं कितनी बौखलाहट है बीजेपी वालों में, मोदी जी में कितना भय है हमारे आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी का। कि महागठबंधन की सरकार टूटे हुए दो दिन नहीं हुए, कल हमारे आदरणीय, जो पूरा देश जानता है वो बीमार है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद उनको 10 घंटा रखा गया, वो पूछताछ नहीं था, वो दबाव की राजनीति चल रही है बीजेपी वालों की। जो गए बीजेपी में, जो भ्रष्टाचारी गए बीजेपी में, वो दूध के धुले हो गए, ठीक है। नीतीश जी डर से घुटना टेक दिए, डर और भय से गोद में बैठ गए। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हाथ मिला लिए, मोदी जी से मिल गए हैं, नीतीश और मोदी की जोड़ी कितना कमाल करेगी 24 में? कोई कमाल नहीं करने वाली है, वो लोग तो बता रहे 40 में 40 लोकसभा सीट उन लोगों का है। देखिए, इनको जो डर भय समझिए, जो नीतीश जी मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी के साथ 17 साल में जो नहीं कर पाए, वो महागठबंधन की सरकार में जब नीतीश जी आए और तेजस्वी जी से हाथ मिलाए तो 17 महीनों में नीतीश जी ने बिहार का कायाकल्प पलट दिया। विधानसभा, पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन हमारे नेता जब महागठबंधन की सरकार बनी तो मात्र 17 महीनों में 4 लाख से ज़्यादा नौकरी बांटने का काम किया। मात्र 70 दिनों में 2,14,000 से ज्यादा मात्र शिक्षा विभाग में नौकरी बांटी गई, और वो शिक्षा विभाग किनके पास था, आरजेडी कोटे के मंत्री थे, उनको बौखलाहट डर इसी बात का था, भय था, यदि हम इनके साथ रहे, बीजेपी वाले इनको पट्टी पढ़ाए उनके साथ रहेगा। अरे वाकई में जो 17 साल में आप नहीं कर सके, 17 महीनों में, डर इसी बात का है उनको, उनके पास कोई मुद्दा है बीजेपी के पास क्या? बता रहे सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, कहाँ कहाँ विकास दिख रहा है, दिन आ गए लोगों के, रामराज आ गया, कहाँ अच्छे दिन आ गए, वादा तो किए थे 2 करोड़ लोग, रामराज का क्या मतलब है? रामराज यदि कहते हैं और असली राम जी के सेवक को देखना चाहते हैं तो असली राम जी के सेवक, राम का जो भक्त बताते हैं या रामराज का बात बोलते हैं, जो हिंदुत्व की नकली लड़ाई लड़ते हैं, ये चमार को हिंदू नहीं मानते, डोम को हिंदू नहीं मानते, मूसर को हिंदू नहीं मानते, दुसाद को हिंदू नहीं मानते, हर जन बैकवर्ड को हिंदू नहीं मानते हैं, ये जानते हैं, ये बस केवल एक जाल, धर्म का जाल बिककर ये बहुत ही गंदा राजनीति करते हैं। क्या लग रहा है बता देते हैं, जो ईडी कार्यालय आप देख रहे हैं, ये पता है कौन है,
ये प्योर भाजपा समर्थक है, ना कि कार्यालय है, पूरे संस्था पे संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था कैसे है जी? अगर संवैधानिक संस्था रहता तो सभी विपक्ष के यहाँ ईडी का छापेमारी होता। अगर भाजपा के नेता जितने भी अभी आपको बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके पास इतना अवैध संपत्ति है कि शायद मशीन फेल हो जाए पैसा गिनते गिनते। एक बात और बता देते, सुन लीजिए पहले, ये पता ईडी क्यों आया? ईडी इसलिए आया कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 15 महीने में पूरे भारत में एक बहुत बड़ा इतिहास रचे और कर स्वास्थ्य सुधार कर अपने हर डिपार्टमेंट में अच्छा कार्य करके वो इतिहास रचने का काम किए, जिसमें नीतीश कुशनी जिसमें नीतीश कुमार भी और भाजपा ये दोनों घबरा गए यार, आने वाला समय में तो मुख्यमंत्री बन जाएगा। यही जलन से इन लोगों ने इस तरह का काम करने का। 24 में कितना असर पड़ेगा इसका? 24 में हम लोग 40 में से 39 सीट जीतने जा रहे हैं और तेजस्वी जी के नेतृत्व में आगामी लोकसभा का चुनाव होगा और बिहार से एक बड़ा संदेश जाएगा और मोदी को गद्दी सुखाड़ कर फेंकेंगे और लालू जी का आशीर्वाद लेकर आरजेडी और महागठबंधन का तमाम कार्यकर्ता पूरे बिहार में लालू जी का झंडा को बुलंद करने का काम करेगा और दिल्ली का गद्दी से मोदी को उखाड़ फेंकने का काम। वो तो बता रहे हैं कि मोदी जी फिर से आ रहे हैं। मोदी क्या है जी? मोदी देखिए, मोदी जब अपने वाइफ को मतलब धर्म पत्नी को धोखा दे सकता है, वो अपने राष्ट्र को धोखा नहीं दे सकता है। वो अपने माँ को खड़ा करके राजनीति करने वाला प्रधानमंत्री। देश हित में सारे काम कर रहे हैं। क्या देश हित में काम है बताइए? पांच काम देश विश्व गुरु बन गया बता रहे हो। किस चीज का विश्व गुरु? विदेशों में डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है? बता रहे बीजेपी के लोग। कौन बता रहा है? लाइए उसको। अच्छे दिन आ गए। आपका अच्छा दिन आ गया? वो लोग बता रहे हैं सब। आपका अच्छा दिन आ गया? नहीं ना, देखिए अच्छा दिन उसी का आया है, अडानी का, अंबानी का, नीरव मोदी का, विजय माल्या का, इन लोगों का अच्छा दिन आया है, ना कि बिहार के और भारत के गरीब गुरबों अकलियत का अच्छा दिन आया। नहीं आया है। अच्छा दिन कब आएगा? जब महागठबंधन की सरकार केंद्र में आएगी और उस समय से अच्छा दिन आने लगेगा उन लोगों को, जिन लोग ने आज भाजपा के शासन में प्रताड़ित होने का काम किया है और भाजपाइयों ने हम सबको प्रताड़ित किया है। किसको प्रताड़ित किया है? नौजवानों को प्रताड़ित किया है, बेरोजगारों को प्रताड़ित किया है और एक बात और बता देते हैं, उन गरीबों को प्रताड़ित किया है जो आज उनके पास शाम को अगर खाना वो खाते हैं तो सुबह नहीं खाते। उन गरीबों को हटाना चाहता है, मारना चाहता है, ये मोदी है। ये क्या बोलेगा? बता रहे कि मोदी और नीतीश की जोड़ी 24 में कमाल करेगी, धमाल मचाएगी, 40 में 40 लोकसभा सीट उनका होगा। मोदी की जोड़ी जो है ना, मोदी नीतीश की जोड़ी, मोदी या नीतीश की हम समझ रहे हैं, मोदी नीतीश की जोड़ी तो कब तक टूट चुकी है। फिर तो हाथ मिला लिए। ढकोसला है। हाँ जी, ये बता दे रहे हैं, ये अप्रैल के बाद इनको जो है नीतीश जी को भाजपा सत्ता से हटाने की पुरजोर कोशिश करेगी और अपना सरकार बनाने की जो है वो बहुत बढ़िया साजिश रच रहा है और इसलिए डिप्टी सीएम, गृह मंत्रालय भी मांग रहा है और विधानसभा अध्यक्ष भी। तो आपको मैं बता दूं, ये कोई ये बेमेल सरकार है और ये सरकार मई में फेल हो जाएगी। धन्यवाद। क्या कह रहे हैं? लगातार जो है जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है, किस तरह का असर पड़ेगा 24 में? और देखिए, आम जनमानस जो है बेवकूफ नहीं है। हिंदुस्तान की जनता भली बात ही समझ रही है, जो बीजेपी से अलग है, विरोध में है बीजेपी से, उनके यहाँ ही सिर्फ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का रेट पड़ता है। उनके यहाँ जो है एक के भी विधायक, एमएलसी, राज्यसभा सांसद और सांसद और मंत्री का नाम बताइए जिनके यहाँ ईडी का रेट पड़ता है, सीबीआई का पड़ता है? नहीं पड़ता है। उल्टे ये होता है, जिनके यहाँ ईडी का रेट कराते हैं उनको अपने में समाहित कर लेते हैं और उसके बाद गंगा जल से नहला करके उनका शुद्धिकरण कर देते हैं और शुद्धिकरण करने के बाद वो स्वच्छ हो जाते हैं। क्या लग रहा है 24 में क्या होगा? बदलाव होगा? मोदी जी बदलाव होंगे या फिर से प्रधानमंत्री वो बनेंगे? देखिए, ये तो जनता को तय करना है। और इंडिया आम जनता है। हाँ, वही बात बोल रहा हूँ, मैं जनता हूँ। जैसे मैं समझ रहा हूँ कि मोदी जी की नीतियाँ गलत है, थी है और उसका प्रूफ कर सकता हूँ कि कैसे। अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा भूमिका होता है उस देश की केंद्रीय बैंक का, बैंकों का बहुत बड़ा रोल होता है। भारत का रिजर्व बैंक के अर्थशास्त्री थे
रघुराम जी राजन जो इसके चेयरपर्सन थे वो मोदी के नीतियों के खिलाफ थे और उनका कभी भी पता नहीं, वो तो चले गए अपने कार्यकाल, उनका खत्म हो गया। जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उर्जित पटेल को चेयरमैन बनाया गया। उर्जित पटेल भी इनसे नाखुश थे, लिहाजा ये हुआ कि वो अरे क्या होगा ये बताइए ना, 24 में क्या होगा, बदलाव होगा या मोदी बदलाव होगा? 100% बदलाव होगा, देखिएगा बदलाव होगा। कह रहे हैं 24 में फिर से आ रहे हैं। अरे कह रहे हैं, उसका कर नहीं बता रहा है, इसी बार 400 के पार बता रहे हैं। कह रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। ईडी सीबीआई क्यों है? डर है तब तो आप कर रहे हैं। क्या लग रहा है बदलाव होगा या फिर मोदी जी आएंगे? बिल्कुल बदलाव होगा, बिहार में तो बदलाव नहीं। क्या दिक्कत है, बदलाव क्यों होगा? दिक्कत बहुत सारा है, पब्लिक सारी जान रही है। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत है। हमको मोदी जी का एक चीज बहुत अच्छा लगा। हाँ। उसने बोला था कि हमको नीतीश बाबू का डीएनए में खोट नजर आता। मोदी जी का कोई काम तो अच्छा नहीं लगा, मगर एक वर्ड ये अच्छा लगा कि डीएनए में कुछ ना कुछ है। अच्छा। अब बस इससे आगे ज्यादा मेरा भाई जान है। हाँ। ये कुछ बोलेंगे आपको। देखा कि आपने, हमने कई लोगों से बातचीत किया, लोग क्या कुछ कह रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन सरकार टूटी है, उसके बाद लगातार से ईडी की कार्रवाई चल रही है, और उसके बाद लोगों का क्या कुछ कहना है हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।